नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW सॉल्यूशन के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डंबल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। आपको पता है कि आप बहुत सारे स्पोर्ट हो गए, फिटनेस सेंटर जो है आप विजिट करते होंगे, वहाँ पे बहुत सारे जो है आपको स्पोर्ट्स और फिटनेस के इक्विपमेंट देखने को मिलते होंगे। उसमें जो है आपको डंबल देखने को मिलता होगा, बड़े बड़े जो है बम्पर प्लेट्स देखने को मिलते होंगे, बारबेल्स देखने को मिलते होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि इस तरह के इक्विपमेंट की आप मैन्युफैक्चरिंग करके जो है आप एक नया जो है व्यवसाय स्टार्ट करके जो है आप अच्छा खासा आप मुनाफा जो है आप अर्न कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे, इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, आपको कंप्लीट देखना है ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज के समय में जितना ज़्यादा फिटनेस का अवेयरनेस है उतना ज़्यादा पहले नहीं था। आपको पता है कि आज के समय में फिटनेस सेंटर का जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। लोग जो है सुबह उठते हैं तो अपने आप को फिट महसूस करना चाहते हैं, तो इसलिए लोग फिटनेस सेंटर जाना पसंद करते हैं। देखिए, तो डे बाय डे जो है नंबर ऑफ फिटनेस सेंटर ओपन होते जा रहे हैं। आप भी अपने जो है लोकेलिटी में जो है आप सर्च कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ फिटनेस सेंटर है। और सभी फिटनेस सेंटर को जो है क्या चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। क्या जिसकी फिटनेस की इक्विपमेंट चाहिए, उसमें बहुत सारे फिटनेस के इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। और जो उसमें कॉमन है वो है डंबल, डंबल हो गए हैं। इसके अलावा जो है जो बम्पर प्लेट्स होते हैं, बहुत सारे प्लेट्स आते हैं अलग अलग केजी के आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के जो है इक्विपमेंट जो है आप बनाकर जो है आप एक अपना मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए, मेरा सबसे पहला आप लोगों से यही रहता है कि किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करने जा रहे हो ना, तो आप पहले सर्वे कर लो कि आपके कस्टमर कौन है। जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि आपके कस्टमर कौन है, तब तक आप उस बिजनेस को सही तरीके से आगे सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सर्वे कर लीजिए कि जो आपके एग्जिस्टिंग वहाँ पे आपकी लोकेलिटी में जितने फिटनेस सेंटर या स्पोर्ट्स सेंटर होंगे, जहाँ पे बहुत सारे जो मैंने आपको इक्विपमेंट्स के नाम बताए वो जहाँ पे होंगे, तो आप पहले पता कीजिए कि वे सारे फिटनेस सेंटर कहाँ से लेकर आते हैं, कितने नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर। अगर आपके एरिया में ऑलरेडी नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर हैं तो आप इस बिजनेस में ना जाएं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर नहीं करता है, वो कहीं बाहर से माल लेकर आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली उस डिस्ट्रिक्ट या उस स्टेट में आपको खुद की मैन्युफैक्चरिंग हाउस ओपन करनी चाहिए। और डेफिनेटली मैं बता दूं कि आप जो है इस बिजनेस को आप सही तरीके से स्टार्ट कर अपने माल को सही तरीके से बेच भी पाओगे। आप तो पहले अपने सिटी में देखोगे ही, पूरे डिस्ट्रिक्ट में देख लेना, पूरे स्टेट में सर्च करना, नेबर स्टेट में भी सर्च करना कि कोई है कि नहीं है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने हैं भाई वो इम्पॉर्टेंट है। अगर एक मैन्युफैक्चरर है तो आप भी उसमें एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। मेरा अल्टीमेट आप लोगों को बोलना ये कि पोटेंशियल मालूम होना चाहिए, कितना पोटेंशियल है उस बिजनेस को लेकर। तो इसके लिए आपको मार्केट साइज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग डंबल सेट्स के मार्केट साइज के बारे में बात करें, तो अभी साल 2024 चल रहा है, तो इस साल में जो है अभी 1.8 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट है। और ये जो आंकड़ा है साल 2030 तक जो है 3.3 बिलियन यूएस डॉलर का टच कर जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो मार्केट साइज है 11.5% के CAGR से ग्रोथ कर रही है। आप पूरा कैलकुलेशन कर लेना, तो यहाँ पे मालूम चल रहा है कि इसका ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा जो है हो रहा है, और यहाँ पे पोटेंशियल भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। मैंने आपको बताया कि पहले जितना फिटनेस को लेकर लोग अवेयर नहीं रहते थे, आज के समय में अपने फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं और लोग फिटनेस सेंटर जाना पसंद कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग कस्टमर बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा है नंबर ऑफ फिटनेस सेंटर ओपन होंगे और उतना ही ज़्यादा जो है इक्विपमेंट्स की, यानी कि फिटनेस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसलिए अगर आप भी इस इंडस्ट्री में अगर घुसना चाहते हो, तो फ्रेंड्स आप जो है ये सारे आंकड़े को याद रखिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि मार्केट साइज क्या है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप डंबल सेट्स की, यानी कि आप फिटनेस इक्विपमेंट की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ओपन करना चाहते हो, तो इसके लिए जो है आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखिए, रिक्वायरमेंट की बात करें ना, तो सबसे पहले तो आपके पास में स्पेस एरिया होना चाहिए। स्पेस एरिया किस पर डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो इंडस्ट्री है वो कितने बड़े लेवल का आप ओपन करना चाहते हो। अगर आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप स्टार्ट करना चाहते हो डंबल सेट मैन्युफैक्चरिंग की ना, तो देखिए यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा मिल जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है आप प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो है ना आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 35% का सब्सिडी आपको मिल जाता है।
तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो आप स्मॉल स्केल पे आप स्टार्ट कर सकते हो। आप जो है 1000 kg पर डे का आप प्रोडक्शन के हिसाब से आप जो है इसको स्टार्ट करो। तो देखिए इसके लिए जो एरिया है आपके पास में कम से कम 5000 square feet का एरिया होना चाहिए। 5000 square feet आपके पास एरिया होना चाहिए जिसमें आपका एडमिन एरिया, प्रोडक्शन एरिया, इन्वेंट्री एरिया, इसके अलावा जो है रॉ मटेरियल स्टॉक का भी एरिया जो है इसमें इंक्लूड है। तो फ्रेंड्स ये सारे को मिलाकर जो है आपके पास 5000 square feet एरिया होनी चाहिए। तो इसके बाद जो दूसरी रिकॉमेंड चीज क्या है, आप जो है पूरी तरह से फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए। फाइनेंशियली मैं क्यों बोलता हूँ साउंड होने के लिए, देखिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो है ना आपके पास में वर्किंग कैपिटल एम्पल होनी चाहिए, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, है ना, सफिशियंट होनी चाहिए। तो अगर वर्किंग कैपिटल नहीं है सही तरीके से तो आप कोई भी इंडस्ट्री को जो है ना 3 महीने से ज़्यादा नहीं चला सकोगे। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे पूछ रहे हो सर आपने तो बोला लोन लेकर स्टार्ट करने के लिए, देखिए आप लोन भी लोगे ना तो उसका EMI आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि स्टार्टिंग डे से आपका चलता नहीं है, कहीं ना कहीं आपको उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बैंक की तरफ से आपको मॉरेटोरियम पीरियड दिया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया था, बैंक आपको मॉरेटोरियम पीरियड देती है। कब तक देती है, जब तक कि आपका इंडस्ट्री सेटअप ना हो जाए। इसके बाद 3 महीना तो आपको लगेगा पूरा मार्केट को एक्वायर करने में, 6 महीना भी लग सकता है। तो इसके लिए जो है तब तक के लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। तो इसलिए जो है मैं बोलता हूँ कि आप जो है पूरी तरह से फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, है ना। तो इसके बाद जो तीसरा जो रिक्वायरमेंट है, आपको डंबल सेट के मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, यानी कि फिटनेस इक्विपमेंट के मार्केट के बारे में अगर नॉलेज अच्छी तरीके से रहेगी, कहाँ कहाँ आप सेल करोगे, कहाँ कहाँ आपको अप्रोच करना चाहिए ताकि आपका जो बन रहा है फैक्ट्री माल वो आपका आसान तरीके से बिक सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्वेंट हो जाता है, अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से आप रन कर पाओगे। तो ये 3 चीज़ जो है आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आपको पूरा रिक्वायरमेंट्स क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से जरूरी लाइसेंस आपको लगने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे आप याद रखिए कि अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप सेटअप करना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा। तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है आप इसके लिए सबसे पहले ले लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देन इसके बाद जो है आपका तीसरा लाइसेंस है, आपको फैक्ट्री एक्ट के अंदर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका चौथा लाइसेंस है, आप रबड़ भी यूज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जो डंबल है आप माइल्ड स्टील का भी आप जो है आप तैयार कर रहे हो, इसके अलावा जो है उसके ऊपर जो है आपका रबड़ का कास्टिंग होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे आपको रबड़ बोर्ड से आपको जो है एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। देन इसके बाद जो है आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो है ना एयर वाटर एक्ट के अंदर आपको NOC लेना पड़ता है। इसके साथ साथ जो है एक लास्ट लाइसेंस की बात करें तो आपको अपनी लोकल अथॉरिटी से यानी कि जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी वहां से जो है आपको क्या लेना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप जो है ये सारे लाइसेंस को लेके जो है ना आप इस बिजनेस को सही तरीके से रन कर सकते हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए कोई भी बिजनेस आप मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक सेपरेट जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि वो कमर्शलाइज होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे अगर आप स्मॉल स्केल पे कर रहे हो ना तो इसके लिए जो है आपको 50 kW की जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। और याद रखें कि जो 50 kW का मैं बता रहा हूँ तो इसके लिए जो है कहीं ना कहीं आपको सेपरेट ट्रांसफार्मर भी जो है आपको सेटअप करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो है आपको सिक्योरिटी मनी भी जमा करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में अप्रोक्सीमेट जो है 3 से 3.5 लाख जो है आपका खर्च आ जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि कितना आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रॉ मटेरियल के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है आपको क्या लगेगा, माइल्ड स्टील लगने वाला है। तो माइल्ड स्टील का लॉग आता है, आपको लॉग लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका रॉड होता है, जो कनेक्टिंग रोड होता है, जो दोनों साइड से डंबल कनेक्ट किया था, वो रॉड भी जो है आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है आपको रबड़ मटेरियल यहाँ पे लगेगा जिसके थ्रू जो है आप डंबल में जो है आप रबड़ की पूरी हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू जो है कास्टिंग कर सकते हो। इसके बाद जो है आपका जो तीसरा है आपको ग्रीन सैंड लगने वाला है। देन इसके बाद जो है आपको यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल लगेगा। तो ये जितने भी मैं सारे रॉ मटेरियल बता रहा हूँ ये सारी चीज जो है आपको परचेस करके रखना पड़ेगा एडवांस में। आपके पास 15 दिन का आपके पास में स्टॉक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि कौन कौन से आपको रॉ मटेरियल लगेंगे, आपको डंबल सेट और जो भी आपका बफर प्लेट्स बनेगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मशीन के बारे में। बिना मशीन के जो है आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो मशीन यहाँ पे आपको कौन कौन से लगने वाला है ये बात करते हैं। सबसे पहले जो मशीन है
आपको कटर मशीन लगे, जो माइल्ड स्टील लॉग होता है ना उसको काटने के लिए यहाँ पे कटर मशीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड जो दूसरा मशीन है आपको वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन लगेगी। एंड जो तीसरा मशीन है आपको लेथ मशीन का रिक्वायरमेंट रहेगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट मशीन है वो आपको बुश बैंडिंग मशीन लगेगी। देन इसके बाद जो है आपको हाइड्रोलिक प्रेस मशीन आपको लगने वाला। तो ये सारे मशीन लेकर जो है आप अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मशीन अगर आपको पूरा क्लियर है तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये मशीन की कितनी कीमत हो सकती है? तो बता दूं कि आज के समय में अगर ये सारे मशीन लेने जाओगे तो आपको 20 से 25 लाख का जो है आपको इन्वेस्टमेंट लग जाएगा मशीन के पीछे। तो यहाँ पे मैंने एक रेंज बताया इसलिए क्योंकि मशीन कहाँ से परचेस कर रहे हैं, कौन से लोकेशन से परचेस कर रहे हैं, आपका लॉजिस्टिक चार्ज कितना है, आपको वहाँ पे जीएसटी लगने वाला, तो इसलिए जो है ये वैरी करता है। तो याद रखें कि अगर आप ये मशीन लेने जा रहे हो तो आप सबसे पहले जो है अपने नियर बाई जो सेलर को सर्च कीजिए। इंडिया मार्ट जो है B2B पोर्टल है जहाँ पे आपको मोस्टली सारे मशीन मैन्युफैक्चर मिल जाते हैं, तो वहाँ पे सर्च कीजिए, नियर बाई सेलर सर्च कीजिए। क्यों मैं बताता हूँ नियर बाई सेलर, क्योंकि देखिए आज के समय में इंडिया मार्ट में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है फेक अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो है एक प्रोफाइल बनाकर जो है क्रिएट करते हैं और पार्टी पेमेंट करता है पर वो मशीन डिलीवर नहीं करते हैं। बहुत सारे फेक हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं वहाँ पे। तो कोशिश कीजिए नियर बाय सेलर सर्च कीजिए, नियर बाय रहेगा तो आप वहाँ विजिट करके आप देख भी सकते हो कि वहाँ पे मशीन कैसा है। आप वहाँ डायरेक्टली लोड करवा के अपने यहाँ पे मशीन जो है डिस्पैच करवा सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है? तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए कोई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। अब मन में क्वेश्चन रहेगा सर कितना पैसा लगेगा, क्या लगने वाला, तो पूरा बायफर्केट करके बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इन्वेस्टमेंट को देखिएगा। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो ना तो कोशिश कीजिए कि आपकी स्पेस यूटिलिटी खुद की हो। यानी कि अगर आपकी स्पेस खुद की रहेगी ना तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग जो है ना आपका सेव हो जाता है। और अगर आपकी खुद की नहीं है तो आप लीज पे लेने ट्राई कीजिए। लीज पे लेते हो तो वहाँ पे भी कम पैसा आपका लगता है। अगर आप परचेस करते हो तो मोस्ट ऑफ द कैपिटल जो है ना आपका जमीन यानी कि लैंड परचेस करने में आपका चला जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपकी खुद की स्पेस है वेल एंड गुड, आप उस पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करो। तो देखिए यहाँ पे मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि जो लैंड एरिया आपका खुद का है बस वहाँ पे जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसमें मैं कंसीडर करता हूँ कि 5 से 7 लाख रुपये आपका खर्च होने वाला है। उसमें जो है आपका शेड बनेगा, वहाँ पे आपका मशीन का कुछ फाउंडेशन रहेगा, बोरिंग किया जाएगा पानी की व्यवस्था करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कुछ कुछ वहाँ पे करने पड़ेंगे। तो ये सारे में जो है मैं अप्रॉक्सीमेट जो है 7 लाख का पकड़ चलता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे आपको मशीन परचेस करना पड़ेगा। तो मशीन में मैंने बता दिया कि 20-25 लाख रुपए आपका लगने वाला है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है आपको रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए आएगा। देखिए रॉ मटेरियल का जो आपके पास में होना चाहिए ना वो मैंने बताया कि 15 दिन का स्टॉक आपके पास में पहले से होना चाहिए। और आपका जो है जब आपका स्टॉक खत्म होने वाला हो ना उससे आपको 5 दिन पहले जो है आपका ऑर्डर लग जाना चाहिए, ठीक है, जो ताकि आपका रॉ मटेरियल जो है स्टॉक में और आके रहे ताकि आपका जो ऑपरेटिंग है ना जो आपका ऑपरेशन हो वो सही तरीके से चल सके। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल जो है इनिशियल लेवल पे 5 लाख आपको परचेस करना पड़ेगा। इसके बाद जो है वर्किंग कैपिटल जो है आपके पास में अप्रॉक्सीमेट जो है 5 से 8 लाख का होना चाहिए। इसके बाद जो जो मैंने लाइसेंस बताया वो लाइसेंस को लेने के लिए जो है आपको यहाँ पे कम से कम जो है आपको लगने वाला है 3 से 4 लाख रुपये। क्यों? जिसमें आपका रबर बोर्ड का सर्टिफिकेशन है, NOC है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, इसके अलावा जो है कुछ कुछ मैंने लाइसेंस बताया, फैक्ट्री लाइसेंस बताया, ये सारे को लेने के लिए आपको लमसम लग जाता है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें ना तो अप्रॉक्सीमेट जो इन्वेस्टमेंट है ना वो आपका 40 लाख का जाता है। याद रखें अगर आप फिटनेस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हो ना तो आपके पास में 40 लाख का बजट होना चाहिए। तो ये बजट कैसे होगा? तो देखिए आज के समय में PMEGP यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर जो है ना मैन्युफैक्चरिंग फील्ड वाले को 50 लाख तक के लिए लोन ऑफर किया जा रहा है, जिसमें 35% का सब्सिडी भी दिया जाता है, ठीक है, अप टू 35% है, डिपेंड ऑन द कि आप किस लोकेशन में जो ना अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहे हो। रूरल पे हो तो आपको डेफिनेटली जो जो मैंने सब्सिडी बताए हैं वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लोन की अगर प्रोसेस को और भी जानना है तो डेफिनेटली आप YMW फाइनेंशियल सर्विसेज की YouTube चैनल को विजिट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आप जो है कैसे PMEGP लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पूरा इन्वेस्टमेंट बता दिया तो अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरह से होता है। देखिए सबसे पहले जो है रॉ मटेरियल में हम लोग माइल्ड स्टील जो लॉग होता है ना उसको हम लोग पहले लेंगे, ठीक है।
अब उसका मेजरिंग करेंगे कि एक इंची पे कितना वजन होता है, दो इंची पे कितना होता है, चार इंची पे कितना होता है, पांच इंची पे कितना होता है। देखो एक इंची का वजन अगर आपको पता चल जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आपको हर एक इंची का वजन आपको पता चल जाएगा। अब आप पे डिपेंड कर रहा है, आप कस्टमाइज कर रहे हो, आप 2.5 किलो का डंबल बना रहे हो या आप 5 केजी का बना रहे हो, आप 10 केजी, 12.5 केजी, 15 केजी, 30 केजी, जितना केजी का आप डंबल बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इंचेस बढ़ाने पड़ेंगे। एक इंची का यानी कि एक इंच में एक इंच का जो लॉक कटेगा उसमें कितना वेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है आप सारे जो है कैलकुलेशन कर सकते हो यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है लॉक को कटिंग किया जाता है कटर मशीन से। सबसे पहले जो है अब उस लॉक को कटिंग किया जाएगा कटर मशीन में एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द वेट ऑफ डंबल, है ना। तो जब उसको कटिंग किया जाएगा, कटिंग करने के बाद जो है ना उसके बाद क्या क्या आता है, उसको ड्रिलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। ड्रिलिंग किस लिए, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए जो डंबल का जो डो एंड साइड होता है ना तो उसमें एक कनेक्टिंग रोड रहता है, है ना। तो कनेक्टिंग रोड किस में जाएगा, डेफिनेटली वहां पे ड्रिल करके वहां पे आपको होल करना पड़ेगा तभी उसमें जाएगा। तो ड्रिलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, तो उसके लिए वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन से उसको ड्रिल किया जाता है। ड्रिल करने के बाद जो है उसको लेथ मशीन में हम लोग प्रोसेस करते हैं। लेथ मशीन में जो है टर्निंग का प्रोसेस होता है जहाँ पे उसको प्रॉपर फिनिश किया जाता है, उसमें थ्रेडिंग किया जाता है, जो भी होल रहेगा उसमें थ्रेडिंग किया जाएगा ताकि जो कनेक्टिंग रोड है ना उसमें सही तरीके से जो है अंदर जा सके। इसके बाद जो है उसमें स्क्रू का कटिंग किया जाता है, यानी कि स्क्रू जो है ग्रुप उसमें दिया जाता है ताकि वो जो है दोनों साइड के डंबल में जो है अंदर इंसर्ट हो सके सही तरीके से, ठीक है। तो जब वो इंसर्ट हो जाता है तो इसके बाद जो है आपका प्रॉपर एक डंबल होता है उसको फिर पॉलिश किया जाता है। उसके बाद जो है अब बारी आती है उसमें रबर कास्टिंग की। देखिए जो रबर होता है ना, रबर आपको रेडीमेड मिल जाएगा, आप इंडिया मार्ट पर जाना, जितना भी मैंने रॉ मटेरियल बताया वो सारा जो है आपको इंडिया मार्ट में मिल जाने वाला है। आप नियर बाय सेलर जरूर सर्च करना, डेफिनेटली आपको कोई भी ना कोई सप्लायर आपको मिल जाएगा, वहां से रबर ले आना। रबर ले आने के बाद क्या है, रबर और डंबल को साथ में वेट किया जाता है कि कितना हमको वेट का बनाना है, समझ रहे हैं यहाँ तक। तो जब वहां पे हम लोग वेट कर लेंगे उसके बाद जो है उसको क्या होगा, हाइड्रोलिक प्रेस जो है ना रबर को जो है उस पर कास्टिंग किया जाता है। कास्टिंग करने के बाद जब आपका हाइड्रोलिक प्रेस हो जाता है तो कुछ देर के ऑपरेशन के बाद जो उसको निकाल कर जो उसको फाइनल फिनिशिंग दिया जाता है ताकि वो मार्केट में सेल हो सके, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स यही जो है सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है आपका डंबल मैन्युफैक्चरिंग का। और इसी तरह से जो है हाइड्रोलिक प्रेस में जो है अलग अलग डाई चेंज करके जो है हम लोग अलग अलग प्लेट जो है अलग अलग केजी के बना सकते हैं, बफर प्लेट्स भी बना सकते हैं और भी बहुत सारे इक्विपमेंट तैयार कर सकते हैं हम लोग जो है, कर बार्बल्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इक्विपमेंट जो है आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह के जो है आप फिटनेस इक्विपमेंट अपने पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका रॉ मटेरियल भी यहाँ पे आपका बढ़ने वाला है। देखो यहाँ पे आपको पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्लियर है तो अब हम बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में। देखिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो प्रोडक्ट उस फैक्ट्री में तैयार तो हो जाता है पर उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग। बिना मार्केटिंग के आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में आप इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, किसी को पता ही नहीं रहेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पे आपको मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। मार्केटिंग करने से पहले आपको खुद के ब्रांड को रजिस्टर करना जरूरी है। तो अगर आप भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो YMW फाइनेंशियल सर्विस को जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, हम लोग अफोर्डेबल प्राइस पर आपको जो है ब्रांड रजिस्ट्रेशन करके प्रोवाइड करते हैं। देखिए अगर आपकी खुद की ब्रांड रहेगी ना तो उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है लोगों का कि भाई मुझे इस ब्रांड का परचेस करना है, तो वो ब्रांड को आपको अवेयरनेस लेकर आना पड़ेगा, कैंपेन अलग अलग चलाने पड़ेंगे तभी जो है आपका ब्रांड रेज करने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या है कि ये डिजिटल वर्ल्ड है, तो डिजिटल वर्ल्ड में जो है आपका डिजिटल प्रेजेंस ही नहीं है तो लोग आपको कैसे जानेंगे। आज के समय लोगों को जब सुबह उठते हैं ना तो सबसे पहले अपना फेसबुक इंस्टाग्राम चेक करते हैं या यूट्यूब चेक करते हैं, तो वैसे जगह पर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब कि आपकी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। सोशल प्रेजेंस में आपका फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, इस तरह में जो है आपकी अकाउंट्स होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ सके कि कोई एक नया ब्रांड आया है जो फिटनेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके साथ साथ जो है आप क्या कर सकते हो कि खुद की वेबसाइट पर भी जो है आप सेल कर सकते हो। देखो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी इन्वेंट्री है, तो आप खुद का भी सेल कर सकते हो। आप पे ज़्यादा लोग रिलायबल रहेंगे तो आप अपने वेबसाइट पे भी जो है अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके आप डायरेक्टली जो है ई कॉमर्स पर अपना एक पोर्टल बनाओ, उस पे जो है आप सेल कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे ई कॉमर्स पोर्टल है जैसे कि आपका अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ईबे हो गया, आप सभी पे जो है अपने आपको लिस्ट करके जो है आप प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। इसके अलावा जो है आप B2B में जगह जाना चाहते हो तो आप इंडिया मार्ट पे जाओ, वहाँ पे जो है आप सेल कर सकते हो। ट्रेड इंडिया है, ट्रेड इंडिया पे जाकर सेल कर सकते हो। देखिए बहुत सारे जो है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप वैसे जगह पे लिस्ट करो और डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट सेल होगा।
इसके साथ जो है आपको SEO भी करके रखना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केटिंग का सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि अगर आपको कंपटीटर में अगर आपको सबको बीट करना है ना तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको आना चाहिए। तो आप किसी अच्छे बंदे को हायर करो जो आपका SEO करके प्रोवाइड करे, ताकि कोई भी बंदा अगर सर्च करता है नियर बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ द फिटनेस इक्विपमेंट तो आपका नाम आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, कि तभी जो है आपका नाम ऊपर आने वाला है। तो ये सारे जो है स्ट्रेटेजी आपको यूज करने हैं आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और इसमें सबसे खास रोल जो है ना आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम जो एड्स होते हैं ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है इसमें निभाने वाली है। आप कैंपेन रन जरूर कीजिए, आप इक्विपमेंट सेल कर रहे हो तो आप कैंपेन रन करो, अगर आप B2B जाना चाहते हो तो उस तरह से आपको कैंपेन रन करना पड़ेगा। आप 1 महीना 2 महीना आप 6 महीना तक कैंपेन रन करो, आपको बहुत सारे जो है लीड्स देखने को मिल जाएंगे। और आज के समय में आपको पता है कि फिटनेस पे काफी लोग ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण नंबर ऑफ फिटनेस सेंटर जो ओपन होते जा रहे हैं डे बाय डे, तो इसलिए यहाँ पे डंबल सेट्स हो गए हैं, फिटनेस की इक्विपमेंट काफी ज्यादा रिकमेंड रहेगी। तो आपका जो है बिजनेस ठप नहीं होने वाला, अच्छा चलेगा। इसके साथ जो है आप नेबर कंट्रीज में भी जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, लाइक जैसे कि आपका बांग्लादेश हो गया, आपका नियर बाय नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इस तरह के जो नियर बाय जो आपकी कंट्रीज है ना वहां पे आप जो है अपना सप्लाई भी कर सकते हो। इसके लिए आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइसेंस लगी है, आप वो बना लो। बनाना क्या, आप YMLU फाइनेंशियल कॉन्टेक्ट करना, डेफिनेटली आपको ये लाइसेंस बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद जो है अपने एक्सपोर्ट को बिजनेस को आप 4 चांद लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको फिटनेस इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया कैसे लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स आने वाले बहुत सारे वीडियो है बिजनेस के उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ में। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।